खबर चलने से पहले बौखलाए बैंक कर्मी ने किया पत्रकार पर हमला। कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर खबरों का संकलन पत्रकारों के लिए खतरा साबित हो रहा है। खबर चलने से बौखलाए आरोपी पत्रकारों को लगातार अपना निशाना बना रहे हैं। एक तरफ संभ्रांत लोगों ने मीडिया कर्मियों को कोरोना योद्धाओं की उपाधि दी है, पत्रकार अपनी जान की परवाह न करते हुए जनता तक हर जानकारी पहुंचा रहे हैं। ताजा मामला जनपद कासगंज के पटियाली कोतवाली स्थित गांव हथौड़ा बन का है। रहस्य संदेश न्यूज चैनल के संपादक राम नरेश चौहान ने कुछ दिनों पूर्व हुई ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त में धांधली की खबर प्रसारित की थी। उसी खबर में हुई कार्यवाही को लेकर बैंक पहुंचे पत्रकार ने जब बैंक मैनेजर से जानकारी मांगी तो बैंक में संविदा पर तैनात नामजद आरोपी बौखला गया और उसने गाली गलौज करते हुए पत्रकार का कैमरा तोड़ दिया। जब पत्रकार ने विरोध किया तो उसने अन्य साथियों के साथ मिलकर पत्रकार की मारपीट कर दी। पीड़ित ने थाने पहुंचे मामले की जानकारी पुलिस को दी और कार्यवाही की मांग की। नाम है क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि एक सप्ताह पूर्व हमने एक खबर बैंक से संबंधित एक खबर चलाई थी। उस खबर की जानकारी के संबंध में आज मैं बैंक गया था और वहाँ पर एक कुलदीप नामक डेली बेसिस का कर्मचारी है, उसके साथ उसके चार पांच दबंग लोग ने हमारे कैमरे को छीन लिया और भागने लगे। जब हम लोगों ने उसका छीनने का प्रयास किया तो उक्त दबंग लोगों में जैसे राजू और प्रदीप और कुलदीप आदि ने मिलकर हमारे साथ मारपीट की, अभद्रता की और हमारा कैमरा छीन कर ले गए। घटना से संबंधित थाना कोतवाली पटियाली आकर इंस्पेक्टर साहब को तहरीर दी, जिस पर तुरंत ही कोतवाल साहब ने पुलिस को भेजकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया और वहां से संबंधित पुलिस ने वहां के लोगों से संबंधित कैमरा को बरामद किया है और गिरफ्तारी हुई अभी तक? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, मुकदमा लिखा जा रहा है। सरकार जहां पत्रकारों की सुरक्षा के लिए तरह तरह की प्रशासन को नसीहत देती है, वहीं दबंग लोग इस प्रशासन में पत्रकारों के साथ अभद्रता करते हैं, मारपीट करते हैं और उनकी कैमरे को छीनते हैं। लोग जो जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उनके साथ कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए।